सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो 80% इकरा के साथ है। प्रदीप नहीं आया कभी भी? नहीं, कभी देखा भी नहीं हमने तो उसकी बेचारे की शक्ल भी नहीं देखी। बीजेपी वाले आते तो है नहीं, वो वोट लेके बस बाद में 5 साल शक्ल भी देखी उसकी। 500 रुपए में क्या होता है जी? 500 रुपया तो मजदूर एक दिन का लेता है। तो 500 रुपया में क्या हो जाएगा जी? हम तो अभी ऐसे ही, पहले भी हमने तो ठेला लगा लिया और के समस्या का। अच्छा, हाँ, जब वोट मांगनी है जब आ जाते हैं। अच्छा, बोलते हैं कुछ भी करेंगे लेकिन उसके बाद आते नहीं। हमारे अभी तक छटके देख सकते हो कच्ची पड़ी है। हाँ जी, जो खेतों की छटके हैं मेन है कच्ची है अभी तक। मोदी जी ने कहा था कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल की दूंगा, कुछ नहीं दिया। कहाँ दी, हम तो धक्के खाए, हम तो अग्निवीर भी मारा है, दूसरे फार्म भी भर दिए, कुछ नहीं हुआ। संगू बॉर्डर पे इन्होंने बेहतर कील बना रखे, बताओ जब हमारे घर में बेहतर कहाँ जाएंगे हम। वैसे ये गवर्नमेंट कहती है किसान यहाँ मर्जी फसल बेच सकता है जी। हमारे यहाँ किसान खड़े हैं, जो हमारी फसल पकती है तो ये फिर पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाता है। ये जमुना का पुल जितने हैं, ये वो कई कई करोड़ के जहाजों में फिरते हैं। तो जो मारे किसी ने मोटरसाइकिल गाड़ी ले ली तो इसमें उनके पेट में दर्द हो गया। जवान भी हमारे ही भाई हैं, हमारे सामने कर देते हैं उनको। किसान के ही बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको आगे कर देते हैं। ये देश कलाम था उस टाइम भी आंदोलन हुए, चलो आज भी मांग रखने का लोकतंत्र का अधिकार है। ये जो गोली चलानी तो आज ये पहली बारी देखी है जी हमने। पहला चांस था। सीसीए में आपका स्वागत है। केराना लोकसभा की सीट के अभी हम झिंझाना इलाके में हैं और अभी हम यहाँ के सिख समाज के साथ हैं। यहाँ पर सिखों की लगभग पूरे सीट में, केराना सीट में लगभग 21,000 वोट है। पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में जो एक बहुत ही, और यहाँ पर जिनसे हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर वो किसान हैं, जो एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर हुआ था, उसमें यहाँ पर भी कई किसानों ने इसका हिस्सा लिया था, उसमें हिस्सा लिया था। आए पता करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए सिख समाज क्या सोच रहा है। क्या वो इकरा हसन की तरफ होने वाले हैं या राष्ट्रीय लोकदल की बीजेपी में जाने, बीजेपी के साथ जाने की वजह से क्या भाजपा सोच रहे हैं, आइए बात करते हैं। जी आपसे शुरू करते हैं जी। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं जी। हाँ जी बापू, नाम अपना। हाँ जी, जसवंत सिंह। नाम अपना? नाम क्या बताएंगे, वैसे बोल देंगे। अच्छा चलिए, अंक बाबू जी क्या सोच रहे हैं, चुनाव आने वाला है। हाँ जी, किस तरफ आप जाने की सोच रहे हैं इस बार? हम भैया, हम जाने वाले इकरा के साथ। आप इकरा के साथ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? वो तो हमारी मर्जी है। नहीं, वो तो बिल्कुल लोकतंत्र में मर्जी होती है, लेकिन क्या सोच के इकरा की तरफ आप गए? सोच ऐसे है, जो काम करेगा उसके साथ चलेंगे जी। जब हमारा किसी ने कोई हमारे क्षेत्र में नहीं आया, आज तक कोई, अब तक कोई नहीं आया। प्रदीप नहीं आया कभी भी? नहीं, कभी देखा भी नहीं हमने तो उसकी बेचारे की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा अच्छा, जो हमने देखा, हम तो शुरू से ही हमारा तो उसकी साथ है। जो भी काम धंधा यहाँ करवाती है, वो लड़की भी, आप भी, उसका भाई भी, दोनों हमारा काम, वो लोग एक्टिव रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है। आप बताइए जी, चुनाव आ रहा है, कहाँ आप जाने की सोच रहे हैं? हमारे तो भाई साहब प्रदीप बड़े नहीं आसी आन के। हाँ जी, प्रदीप आया ही नहीं आसी रे, शक्ल भी नहीं देखी उसकी। अच्छा, हाँ, वोट क्या देनी है इनको? तो क्या सोच रहे हैं, सामने फिर सपा से इकरा हसन भी है और बहुजन समाज पार्टी से भी शीशपाल राणा जी। यहाँ तो इकरा हसन का ही है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इधर तो ज्यादा उसी का ही है जी। इकरा की तरफ क्यों आप लोग, वो लग रहा है कि इकरा की तरफ जाना? इकरा की तरफ जी, बीजेपी वाले आते तो है नहीं, वो वोट लेके बस बाद में 5 साल शक्ल भी देखी उसकी। आपकी विधानसभा से जैसे यहाँ इकरा का ही भाई नाहिद हैं यहाँ पर, क्या उनका कैसा रवैया रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, कभी उसने कभी जातिवाद वाला काम ही नहीं कराया कोई, जेड़ा भी आदमी गया उसका काम कराया उसने, वो बिना भेदभाव के। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आप में से ज्यादातर लोग किसान भी हैं यहाँ? किसान ही है सादा। ये जो 13 महीने का एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद भी हुए, उसका असर इस चुनाव में कितना हम देखेंगे? उसका असर भी, किसान जो सही किसान है वो तो फिर इकरा के साथ ही जाएगा जी। जी, आपको लग रहा है इकरा किसानों के मुद्दों पर खड़ी रहे? मेरी बात सुनो। हाँ जी। वैसे ये गवर्नमेंट कहती है भी किसान यहाँ मर्जी फसल बेच सकता है जी। हमारे यहाँ किसान खड़े हैं, जो हमारी फसल पकती है
तो ये फिर पाकिस्तान का बॉर्डर बन जाता है, ये जमुना का पुल जितने हैं यहाँ पुलिस खड़ी हो जाती है, किसान सब दिन वहाँ बता रहे धक्के खाते ने। तो आप हरियाणा के बॉर्डर नहीं जा पाते, मतलब हरियाणा नहीं जा पाते? बस धक्के खाते हैं, कोई किधर से ले जाता है, कोई किधर से ले जाता है, कोई कहीं भेजता है, खुला तो नहीं जाता जिस तरह फसल है। और वैसे तीन कानूनों जो लाए थे उसमें कह रहे थे कि भी किसान को हर जगह बेचने की अनुमति, सारे कहते हैं वैसे तो इनका भाषण ये है किसान यहाँ मर्जी फसल ले जाए, तो यहाँ फिर लाइन लगी रहती है सब दिन धूप में। पहले तो बेचारा अपने खेत में काम करता है, भूखा प्यासा फिर वहाँ पुल पे सड़ता है, पानी नहीं दाणी नहीं। इस तरह से बातें कही गई थी किसानों के बारे में जब किसान आंदोलन हुआ था, इस तरह की बातें जो थोड़ी दिल को भी कई लोगों को चुभी थी, अलगवादी का वखवादी कहा था, अलगवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, काफ़ी कुछ ऐसा कहा था किसानों को, उस बात की आज कितनी नाराज़गी है इस सरकार से? उतनी की उतनी जितनी पहले थी, उतनी ही नाराज़गी। हाँ जी, ये देखो हमारे घर में भेंट बना रखी है इन्होंने। हाँ जी, बना रखी है या नहीं बना रखी? संगू बॉर्डर पे इन्होंने भेंट और कील बना रखे, बताओ जब हमारे घर में भेंट और कहाँ जाएंगे हम? अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसकी तो बात हो रही, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी भीड़ बना रखी इन्होंने, कहीं लिखट को रहता है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं बताए, इसके ऊपर और क्या होगा? जो तो जो अपना सर पड़ा है आपने तो अभी तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी, कहता है ये अपना प्रदीप की आप बात कर रहे हैं। 5 साल मतलब पहले हमने इसको अड़ के वोट दी थी 5 साल पहले, और इतने मर को आड़ के पूछा भी सरदार जी तुम है जो कहें, एक टुड़का भी इतने काम नहीं यहाँ करे। अच्छा, कभी नहीं आए? कभी आए नहीं। आप क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो एक मैं बोलूं अगर चुनावी प्रतिनिधित्व इस आंदोलन का अगर किसी ने किया तो वो राष्ट्रीय लोकदल ने किया था, अब राष्ट्रीय लोकदल और जैन जी को अचानक मोदी जी प्रधानमंत्री जी में चौधरी चरण सिंह का अक्स नज़र आ गया, वो उधर चले गए, आपको क्या लग रहा है फिर उसका असर चुनाव में कितना होने वाला है? आप कहाँ हैं इस चुनाव में? हम तो जी उस कैंडिडेट के साथ रहेंगे जो जनता में रहेगा, जो जनता की बात करेगा, जनता की लड़ाई लड़ेगा। एक क्षेत्र में तो जी 2-3 ही हैं, चलो दूसरे तो आए नहीं हैं, प्रसन्न चौधरी है, मनीष चौहान है, इकरा नाहिद परिवार है, ये लड़ाई लड़ते हैं जनता की, इनके साथ जनता रहती है। अब जो जनता के बीच में नहीं आएगा तो जनता उनके साथ कैसे चली जाएगी? जयंत जी के फैसले पर आपका क्या कहना है? जयंत जी ने जो फैसला किया अच्छा किया है, उन्होंने अपनी समझ से जो किया उन्होंने ठीक किया है, जो किसान है वो अपनी समझ से फैसला करेगा, उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो आप मतलब उम्मीदवार देख रहे हैं उस तरीके से, जयंत जी के फैसला अगर ये है तो उस तरफ ऐसे नहीं देख रहे? ना जी ना, बिल्कुल हम कैंडिडेट देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं। ठीक है जी, जी आप बताएं क्या लग रहा है चुनाव आने वाले हैं? बस चुनाव आने वाले हैं, जैसे जिसकी समझ है वो जहाँ जा सकता है। हाँ जी, चलो भाजपा वालों में ऐसे सड़कें बहुत बना रखी हैं, काम करा रखे हैं, ऐसा बात नहीं, हाईवे बनाए हैं, हाईवे बहुत बना दिए हैं। हाँ जी, पहले नहीं तो कच्ची सड़क होती थी, पर जो किसान का है ये किसान सोचा है कहाँ जाना है। हाँ जी, सब अपनी अपनी मर्जी से जहाँ भी जा सके आजाद हैं वोट के लिए, इसलिए काम भी बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है, पर वो समय आएगा कहाँ जाना किसी ने कि नहीं। आपने फैसला नहीं किया क्या अभी? नहीं, फैसला है वो तो बाद में समय बताएंगे ना कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर सरकार बहुत अच्छे, लेकिन जो कैंडिडेट है वो जनता के बीच में, जनता के बीच प्रदीप नहीं आया। चलिए, कुछ नौजवान भी हमारे साथ खड़े हैं, आपका नाम? विकास। विकास, कितने साल के हो गए? 19 साल। 19 साल के, तो आप भी पहली बार लोकसभा में वोट डाल? बिल्कुल जी। विकास, कहाँ वोट डाल रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हो, पहली बार वोट डालोगे? वोट तो एक राशन को ही डाल लेंगे। अच्छा जी, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए, तो कुछ किया नहीं युवाओं के लिए, ना कोई नौकरी दी ना कुछ, बेरोजगार हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल की दूंगा, कुछ नहीं दिया, कहाँ दी, हम तो धक्के खाए, हम तो अग्निवीर भी मारा है, दूसरे फार्म भी भर दिए, कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, कितनी दिक्कत हुई पेपर लीक, सब दिक्कत ही दिक्कत है हमारे लिए तो। हम तो अभी ऐसे ही, पहले भी हमने तो ठेला लगा लिया आर के समोसों का। अच्छा, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं खुद चाय वाला हूँ, अब भी प्रधानमंत्री बन जाना फिर ठेला लगा? हाँ, ऐसे चाय वाले हर कोई नहीं ना बनता। अच्छा, हर बार चाय वाला मर प्रधान, हर चाय वाला प्रधानमंत्री, चालबाज होते हैं चाय वाले, थोड़ा होते हैं वो। हाँ, चालबाज ही है वो तो, चालबाज हैं। आपके लिए कैसे रहे हैं जी 5 साल सरकार के? बहुत बहुत बेकार रहे हमारे लिए। अच्छा, धक्के धक्के खा रहे हम तो। अच्छा, हाँ जी, बहुत परेशानी का, ये फसल ही नहीं जा रही है बॉर्डर पार, ये बॉर्डर है जमुना का, फसल ही नहीं जाने देते हमारे लिए कैसा रहेगा?
किसान आदमी है। सरकार तो कह रही है कि हम चाहते हैं कि किसान अपने कहीं भी फसल बेच पाए। ये कहने करती तो नहीं है, कह ही रही है। अच्छा। वो करने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पे धक्के, कभी हरियाणा बॉर्डर पे धक्के, हमारे लिए तो ये भी बॉर्डर पाकिस्तान का ही बॉर्डर। आतंकवादी भी बोलते हैं। हाँ जी, ये तो किसानों को तो बहुत कुछ बोलते हैं, कर तो नहीं रही बात, तो करने की है ना, बात करने की। तो वोटों जब वोट मांगनी है, जब आ जाते हैं। अच्छा। बोलते हैं कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके बाद आते नहीं। हमारे अभी तक छड़के देख सकते हो, कच्ची पड़ी है। हाँ जी, जो खेतों की छड़के हैं मेन है, कच्ची हैं अभी तक। बताया हमारे तो कोई काम नहीं किया क्षेत्र में इन्होंने। बारिश हो जाए तो पैर ऊपर टांग के निकलना पड़ता है रास्तों पे, ऐसे बुरा हाल हुआ है। ये बात तो है, क्योंकि हाईवेज की बात हो रही है, लेकिन रंगाना फार्म तक आते आते हमारी भी हालत थोड़ी बुरी हो गई थी। यहाँ अंदर तुमने भी देख ली रंगाना फार्म की सड़कें कैसी, ये जो ये लाइट लूट है, ये तो अंग्रेज के टाइम पे लगी हुई है। जो सड़क बनी हुई है अंग्रेज के टाइम की बनी हुई है। क्या इस बार आप इकरा सोच रहे हो, बसपा सोच रहे हो, कहाँ? हम तो इकरा के साथ है, इकरा के साथ। आप नौजवान भी हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि एक नौजवान उम्मीदवार होने के नाते भी कुछ आपकी बातें सुनी जाए? हमने तो पहले भी उनका ही साथ दिया था। वो तो छड़ा है, उसने थोड़ी देखना है हमारे बारे में कुछ, ना उसके बच्चे, ना उसके आगे, ना पीछे। वो थोड़ी सोचेगा हमारे बारे में। मोदी जी की बात कर रहे हैं, अडानियों की सरकार है, वो अडानी अंबानी की सरकार, उनका सोच रही है, किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। ठीक है, लेकिन मोदी जी कह रहे थे, जो वो बार बार बात करते हैं कि भाई किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ मैं, 500 रुपए महीने के दे रहा हूँ मैं किसानों का, उसके बाद नहीं आ रही। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल तले थे लग के ऊपर चोटी तक झूठ बोल रहा है। क्या होता है जी, 500 रुपया तो मजदूर एक दिन का लेता है, बताओ। और झूठ 500 रुपया में क्या हो जाएगा जी? मतलब आप कह रहे हैं लागत बढ़ गई है, लेकिन 500 रुपए के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो कहते हैं मैं किसान निधि देता हूं, किसान अपना काम कर लेगा, 500 में क्या कर लेगा? खाद का कट्टा 10 किलो वजन घटा दिया, रेट वही है। 10 किलो कट्टा खाद का भी घटा दिया है 5 साल, रेट नहीं बढ़ाया। हाँ। उधर से कट्टा घटा दिया, वही 50 से 40 किलो कर दिया, 40 किलो कर दिया। बताओ पेस्टिसाइड पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है ट्रैक्टर का जिसपे 18% या 14% से कम जीएसटी हो। तो मतलब लागत बहुत बढ़ गई, लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उस हिसाब से अभी गन्ने का रेट वगैरह नहीं बढ़ा। हाँ, गन्ने का रेट भी 50 रुपए कम से कम और बढ़ना चाहिए, वो भी एक नाराजगी है। 450 एक मंडी बननी चाह, मंडी हो हमारे को क्या जरूरत दूसरे घर में जाने की? जब तुम्हारे घर में कहीं मंडी हो, अनाज मंडी हो, हमारा क्या जरूरत कहीं तक? बिल्कुल नहीं मानते बात। यहाँ कोई ना कोई कुछ सहूलत होनी चाहिए जिम्मेदारों के नाम की, मुंजी गेहूँ कहाँ बेचे हम। ठीक है, एक चीज़ बताओ, इस बार किसान हैं और खासकर की सिख किसान हैं जो यहाँ पर, बाकी भी जो पूरी संगत है, मतलब 20-21 हज़ार पूरे कैराना में वोट है, आपको क्या लग रहा है इस बार कितना वोट भाजपा में जाएगा, कितना इकरा में जाएगा? देखो ये बहुत लंबी बेल्ट है, सारी बेल्ट का तो हमें पता नहीं जी। हाँ जी, हमारा ही जो क्षेत्र है जाने का। हाँ जी, हाँ जी, ये तो 80% इकरा के साथ है। अच्छा जी, कोई एक दो घर चले अभी जा सकता जी, सब अपनी अपनी मर्जी है। सपोर्ट की थी, नाइट नहीं जीता था यहाँ से, अब भी इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं, इकरा ही जीतेगी। हमारा तो इकरा के साथ ही है, और ये क्षेत्र भी नहीं कही है। ठीक है, वो इधर आते हैं, वही काम करते हैं, वो काम करते हैं। नाहिद भी एक्टिव रहे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल रहा है। और इकरा आई है अभी तक यहाँ? हाँ, बहुत बार आई है, हर प्रोग्राम पे आ जाती है वो। तो हम भी गए थे वहाँ पे, वो भी आए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जो जब भी कोई किसान आंदोलन होता है, जो हमारे बड़े चैनल हैं, वो एक चीज़ को बार बार दिखाते हैं, बड़े किसान पंजाब के, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रैक्टर, उनके पास आए कैसे, कहाँ से आए, इस चीज़ के बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया है। 40 साल से पंजाब MSP पे अपनी फसल बेच रहा है, यानी कि कैलकुलेशन लग रहे हैं, मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान है, उनके पास 1000 क्विंटल अगर पैदा होती है तो 2250 रुपये बेच रहे हैं, और मेरे पास ये 1000 क्विंटल पैदा होती है, मैं 1300 रुपये के रेट में बेच रहा हूँ, मैं 13 लाख की बेच रहा हूँ, वो 2.5 लाख की बेच रहे हैं। तो ये 7-8 लाख का जो अंतर आता है, 5 साल में ये अंतर कहाँ जाता है 40 लाख की? तो 40 लाख हमारा भी यहाँ बढ़े, तो हम भी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रैक्टर हम भी ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? हम भी ले सकते हैं। और मतलब ये भी बात कई लोग करते हैं कि भाई अगर किसान अच्छी गाड़ी में है या अच्छे कपड़े पहन रहा है तो उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अब नंगे फिरे क्या? उसको कपड़े भी मारे, गड्डी भी मारी, बूटी लग रही है मोदी को। अब तो फिर उसको कहो भी मारे को एक नेकर देते यार, एक बनैन देते, हम बैठे ही। नेकर तो उनके संगठन के लोग पहनते भी हैं। मेरी बात सुनो, ये वो कई कई करोड़ के जहाजों में फिरते हैं, तो जो मारे किसी ने मोटरसाइकिल गाड़ी ले ली तो इसमें उनके पेट में दर्द हो गया, वो चाय बीज के जहाजों में फिर रहे हैं, और हम दिन रात मेहनत करके तो जो गाड़ी ले ली है तो उसमें क्या परेशानी है उनको? बताओ, कोई है कोई परेशानी? किसान बिल्कुल फिर हम मेहनत कर रहे हैं। एक जो विदेशी फंडिंग की बात होती है, विदेशी फंडिंग होती है जी धरनों में, विदेशी फंडिंग है क्या?
जितने भी किसान हैं वहाँ किसान ही जा रहे हैं, कम से कम भी 20-25 लाख बच्चे जो किसानों के विदेशों में भेजते हैं। अगर वो एक रुपया भी रोज भेजते हैं, $1 अपने माता पिता के लिए यहाँ, अगर उनसे 10 लाख भी भेजते हैं, $10 लाख रोज आता है, $10 लाख को 80 के रेट में गुणा करो, आज 7-8 करोड़ रुपया बनता। 7-8 करोड़ में क्या नहीं किसान बड़ रुपये खा सकता, पीजे खाएं, बर्फी खाएं, रसगुल्ले खाएं, जो मर्जी खाएं। ये विदेशी फंडिंग बताए तो है क्या विदेशी फंडिंग? ये तो किसान के बच्चे हैं, अपने माता पिता के लिए एक रुपया रोज भेज रहे हैं, ये विदेशी फंडिंग है? मतलब गांव-गांव से हमने भी किसान आंदोलन में देखा था, लोग अपनी तरफ से कोई अनाज लेकर जा रहा है, कोई दूध लेकर जा रहा है, कोई खाना लेकर जा रहा है। तो सरकार भी तो फंडिंग कर रही है, फ्री का राशन दे रही है गरीब जनता को, फंडिंग ये वोट लेने के लिए कर रही है वो, पहले क्यों नहीं दे रही थी? गरीबों की वोट लेनी है, फंडिंग कर रही है सरकार भी, अब सरकार को कौन बोलेगा अभी आप फंडिंग कर रहे हो? चलो आप चॉइस बताओ फिर, आप नौजवान जो कह रहे हो कि भाई बेरोजगारी से दिक्कत हुई है बहुत, तो ये जो फ्री का राशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस बेरोजगारी के दौर में वो काफ़ी है? नहीं नहीं, उससे क्या होगा, वो तो एक अपनी तरफ आकर्षित करने का सिस्टम है, वो तो अब दे देंगे 5 किलो दे देंगे, उससे जो गरीब किसान है उनकी तरफ हो जाएगा, उनको लगेगा हमें खाने को मिल रहा है, हमें तो इनको ही वोट देनी है, उससे कुछ नहीं होगा। आदमी आगे जाके कुछ करेगा, काम कहीं लगेगा, उस वही पूर्ति होगी, 5-5 किलो से कहाँ अनाज से पूर्ति होने लगी है देश की। अच्छा, आप लोग जो शंभू बॉर्डर पर अभी भी और वो जो दो बॉर्डरों पर अभी भी हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक किसान शहीद भी हुए हैं, उसके बारे में आप लोग सोशल मीडिया? किसानों के साथ ही हैं जी, ठीक है, किसान जो जैसे भी किसान बोलेंगे वहाँ तो हमें शहीद होना पड़ा, हम भी शहीद होंगे वहाँ, तो हम भी नहीं पीछे हटते उसके लिए। तो आप में से कोई सिंगू टिकरी आंदोलन के दौरान गए थे या अपना गाजीपुर बॉर्डर? नहीं नहीं नहीं, अभी शंभू की बात नहीं कर रहा मैं, जब 2020-21 में जब सिंगू टिकरी गाजीपुर सब गए थे आप, ये तो बताओ, जब छड़ के जो हमारा घर है और हम दो भाई हैं और दो दो भाई बीच में पेंट करते हैं, दूसरा कहाँ को निकलेगा? एक साहब का इन्होंने पंजाब को दुश्मन अपना समझ लिया, समझ लिया नहीं, नहीं समझ लिया, जब जब उनको पेंट मतलब करके उनको आगे नहीं आने दे रहे तो कैसे काम चल जाएगा इनका? जो खट्टर ही नहीं मान, खट्टर ने क्या नहीं करा 1900 में, जब पानी पाते इतने खड्डे खड़वा दिए, बड़े बड़े इतने क्या नहीं करा पानी के सारे, अरे उठा के वहाँ लगा दी पोर्थ और सीधी गोली ठोको, छल्ले भी चले हैं बहुत सारे, फिर क्या कहाँ जाएंगे जिम्मेदारों बताओ कहाँ जाएंगे? देखो जो आंदोलन तो शुरू से होते हैं, जो देश कलाम था उस टाइम भी आंदोलन हुए, चलो आज भी मांग रखने का लोकतंत्र का अधिकार है, ये जो गोली चलानी तो आज पहली बार देखे जी हमने, पहला चांद साहब 60 साल की उम्र हमारी भी हो गई है पर आज तक गोली चलनी चली, चलो अथरू गए छोटे ऐसी पानी की बिशारे करते थे, नौजवान जी उसके यहाँ गोली लगी जोड़ता मरिया, बताओ दुख नहीं आता? जय किसान जय जवान जय किसान दोनों देश को आगे लेके जाएंगे, दोनों को बिठा दिया आपस में इस सरकार ने, जवान भी हमारे ही भाई हैं, हमारे सामने कर देते हैं उनको, बताओ में किसान के ही बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको आगे कर देते हैं ये। किसी भी देश के जो किसान हैं वही उस देश के उस समाज के अन्नदाता होते हैं, और अन्नदाता अगर खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकारों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, और उस सवाल को बहुत देर तक आप अनदेखा नहीं कर सकते हो, और जब वही अन्नदाता अपने सवालों पर धरना करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तो उसी अन्नदाता को अगर आप आतंकवादी कहें, नक्सलवादी कहें, खालिस्तानी कहें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो एक बहुत कमी है जो सरकार शायद उस अन्नदाता की बात नहीं सुन पा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो सिख किसान हैं झिंझाना ब्लॉक के किराना लोकसभा में, दुख आज भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बात सुनने की जगह उन पर कई किस्म के बहुत ही ख़राब इल्ज़ाम लगाए गए, और उनका कहना है कि इस चुनाव में उसका असर देखने को भी मिलेगा। जुड़े रहें CCA के साथ, UP की खबरें अब तक आती रहें।